I'm sorry, sir. I'm sorry, sir. ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟਿਕਟੋਕ ਚੈਲੰਜ ਦਾ ਇਸ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ ਬਰਾਬਰ ਮਿਲੇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਮੈਨੇ ਆਪਕਾ ਨਮਕ ਖਾਇਆ ਹੈ ਤੂੰ ਖਾਦਾ ਹੈ ਅੰਨੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆ ਮੈਂ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਫੀਕਾ ਸਾਲਨ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੁਣ ਘੱਟ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਟੋ ਰਾਸਤੇ ਸੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਥੇ ਕਿਆ ਕਿਆ ਆਪਕੇ ਘਰ ਮੇ ਚਿੰਟੂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਸ मेरे को एक मौका देंगे चिंटू हो जाएंगे मैंने पान वाले से बोला मैंने बोला एक पान लगा दो बोला कौन सा पान लगाए बोला बोला मीठा पान लगा दो बोला कितना मीठा मैंने बोला फुल मीठा कर दो बोला रसगुल्ला डाल दे क्या इसमें अरे मच्छर काटते हैं यार इसलिए पहनते कोई दिक्कत तो मच्छर काटते हैं तो मोर्टीन लगाओ जींस पहनने की क्या जरूरत है कहां मोर्टीन लगा ले बताओ कहां मोर्टीन लगा ले धोती के नीचे मोर्टीन लगा ले जला ले धोती मर जाए आओ बहू पता है मेरे बेटे ने इसकी डांस की वजह से इसे पसंद किया है बहू आज तुम डांस दिखा ही दो मेरे से नहीं हो पाएगा गुटखा खाने वालों में बड़े उच्च संस्कार होते हैं वो मौन और शांत रहते हैं गुटखा थूक के वो तभी बोलते हैं जब बात की कीमत गुटके से ज्यादा हो अन्यथा हूँ हाँ में ही जवाब देते हैं मैं उससे प्यार करता हूँ वो मुझसे प्यार करती है मैं उस पर जान देता हूँ वो मुझ पर जान देती है उसकी दिल रुबा सूरत सहारा मेरे जी हेलो म्युनिसिपैलिटी एक ट्रक भर के औरत इधर बैठी हुई है उसको उठाना है 5 ट्रक लगेंगे आगे हाथी बांध लेना कोई बात नहीं तेरी बाहों का झूले में पली बाबुल जा रही हूँ छोड़ के तेरी गली बाबुल मैं अगर अभी भगवान आ जाए और आपको ऑप्शन दे कि तेरे को दिमाग चाहिए या 100-100 की गड्डी नोट की अच्छा तो आप क्या लोगे दिमाग ही लूंगा भाई मैं तो गड्डी लूंगा 100 की पता है क्यों क्यों लेगा मतलब जिसके पास जो नहीं होता वो तो वही लेता मम्मी बहुत तेज भूख लगी है मेरे राजा बेटा को भूख लगी है मेरा परा मेरा सोना मैं अभी तेरे लिए खाने को लेके आती हूँ मेरा गोली मूली ये चमन छोटी जल्दी चल मोहल्ले में रणबीर कपूर आया है क्या हे भगवान पानी दे दे हे भगवान मुझे भी पानी दे दे मिला जब प्यार में जिंदगी में उदासी छा गई सोचा था छोड़ देंगे इस राह को पर आज मोहल्ले में दूसरी आ गई शक्ल से तो आप भी गधे लग रहे हैं तो क्या आप गधे हैं आप गधे तो नहीं है लेकिन जो बोलता है वही होता है क्या जो बोलता है वही होता है मतलब हम गधे हैं है? बोल दीदी मेरे साथ चल कहाँ लेके जाएगा जन्नत जन्नत तो मैं हूँ जिसको जन्नत देखनी होती है ना वो मेरे पास आते हैं हेलो अंकल तेल होगा आपके पास वो गर्लफ्रेंड आई हुई थी घर पे बेटा तेल तो नहीं है वैसे ले जो अंकल वो पकोड़े तलने हैं सुनो मुझे तुमसे कुछ कहना है हाँ कहो ना मैं माँ बनने वाली हूँ नहीं 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 पागल हो गया हमारे रिश्ते तो गंगा जल की तरह पवित्र है यार ऐसा हो ही नहीं सकता नहीं नहीं अबे पूरी बात सुन ले तेरे बाप ने प्रपोज किया है तेरी माँ बनने वाली हूँ मैं हेलो दामाद जी मैंने आपको ना हीरे जैसी करोड़ों की बेटी दी है वो सब छोड़ो पहले ये बताओ वापस कितने में लोगे
हेलो दमाती आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। क्या सोच रहा है रे इतना मेहनत से? गुरुजी हम सोच रहे हैं कि उतना अच्छा हुआ कि 1947 में व्हाट्सएप नहीं था, नहीं तो जंग के लिए कोई नहीं उतरता। सब घर बैठ कर सूत कर यही कहते कि इस मैसेज को इतना फैलाओ कि अंग्रेज अपने आप भाग जाए। मे आई कम इन सर? यस सिट डाउन, शो मी योर सीवी। या श्योर सर। नाइस, आपको एक्सेल आता है? सर एक्सेल तो बहुत टाइट हो जाता है, बट यस डबल एक्सेल मुझे बहुत इजीली आता है। मैं कंप्यूटर के एक्सेल की बात। क्या लेना है आपने? मैंने बोसड़ी लेनी है। बोसड़ी लेना है? बोसड़ी लेनी है। ओजरा कृष्णा बजांदा है। जेड़ा कृष्णा बजांदा है? की कहंदे हो नू? बोसड़ी। बोसड़ी नहीं कहंदे, बांसुरी। अरे जल्दी चल, अपने गाँव में बाढ़ आ गई है। तो क्या हुआ? अरे सब पानी तोरे घर में घुसा जा रहा। मारा का है बे? तू झूठ बोलता है साला, घर की चाबी तो मेरे पास है। हेलो। हाँ हेलो डॉक्टर साहब। हाँ डॉक्टर साहब हैं। अरे हम न कह रहे हैं कि हम नहीं आए थे 2 साल पहले आपके पास इलाज कराने। अच्छा। आप कहे थे कि 10 किलोमीटर रोज चलना। हाँ। तो हम तो चलते चलते अफगानिस्तान आ गए, कह रहे हैं कि रुक जाए, कि रूस निकल जाए। उठ बे चमगादड़ की औलाद। क्या हुआ पापा, तू स्कूल क्यों नहीं गया? पापा आपने ही तो कहा था एक जगह रोज रोज जाने से इज्जत कम हो जाती है, इसलिए मैं नहीं गया। घर पे पड़े रहने से भी इज्जत कम हो जाती है, चल। बेबी आई एम सो हैप्पी, कल हमारी शादी होने वाली है। यस बेबी मैं भी, अब से तुम मेरी पूजा हो, मेरी आरती हो, मेरी प्रेरणा हो, अब से तुम मेरे सुरेश रमेश जिग्नेश एक्सेट्रा हो। व्हाट द फक, ओह सॉरी मुझे लगा एक्स के नाम लेने हैं। अबे तूने 2 बॉयफ्रेंड रखी है, कल सिनेमा में मैंने तुझे किसी और लड़के के साथ देखा। नहीं बाबू वो मेरी मजबूरी है। क्या ऐसी क्या मजबूरी है? मैं नहीं चाहती कि इतनी महंगाई में सारा खर्चा तुम अकेले उठाओ। अरे डॉक्टर साहब आजकल हमरे एकदम माथा में बहुत दर्द देता है। ओ इसीलिए रात को टेंशन के साथ नहीं सोना चाहिए। तो का किया जाए, टेंशन के मायके भेज दे। ब्यूटीफुल कर गई। हेलो तुम्हारी बिल्डिंग के नीचे ठहरा हूँ, जल्दी दरवाजा खोलो। तुम कभी पूरी बात सुने मेरी? मैं बोली हमारे घर में कोई भी नहीं है, बोले तो मैं भी नहीं हूँ। हमारे घर को लॉक। आपके लिए एक बुरी खबर है। क्या डॉक्टर साहब? आपकी आपकी एक किडनी फेल हो चुकी है। कितने नंबर से? Are you feeling tired? Yes, of course I am tired. Why don't you just lay down and have a rest? Are you kidding me? Do you think this is a situation I could lay down? मुझे ना सब स्कूल में मोटू बुलाते हैं, ट्यूशन में भी मोटू बुलाते हैं, प्ले ग्राउंड में भी मोटू बुलाते हैं, सिर्फ ये मुझे नहीं खिलवाती है, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। अगर आपकी बीवी आपका कहना नहीं मानती है तो इतने ध्यान से सुनने की कोई जरूरत नहीं है, किसी की भी नहीं मानती है, इसका कोई इलाज नहीं है। गाली कैसे दे रहा है तू? भैया मेरे मुंह से निकल गई, क्या बताऊं भैया? गाली तो मुंह से निकलती है, गाली तो मुंह से निकलती है। मैं धोखे से निकल गई आज के? मैं मरी जाऊंगा बगबा। हेलो हेलो जानू। हाँ डार्लिंग कैसे हो? ठीक हूँ मैं तो। पता है जब मुझे तुम्हारी याद आती तो मैं तुम्हारी फोटो देख लेती हूँ। अच्छा और मेरी आवाज़ सुनने के लिए क्या करती हो? कुछ नहीं बस कुत्ते को लात मार देती हूँ। क्या? हेलो म्युनिसिपैलिटी, एक ट्रक भर के औरत इधर बैठी हुई है, उसको उठाना है, 5 ट्रक लगेंगे, आगे हाथी बांध लेना, कोई बात नहीं। हेलो। अच्छा इंग्लिश के वर्ड्स को अपनी भाषा में बोलकर बताओ। ओके सर। फास्ट भाग, फास्टर तेज भाग, फास्टेस्ट भाग तेरी माँ की भाग। भाई साहब आपके घर से रोज हंसी की आवाज आती है, इसको समझने की क्या राज है? जी मेरी बीवी मुझे जूतों से मारती है, लग जाए तो वो हंसती है, ना लगे तो मैं हंसता हूँ। खुदा का शुक्र है हंसी खुशी जिंदगी गुजर रही है हमारी। हमारे साथ बुरे हैं उनके साथ हमें अच्छा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए? जो हमारे साथ बुरे हैं उनके साथ ना अच्छा होना चाहिए, अच्छा होगा तो आपको बेच के खा जाएंगे, और अगर उनके साथ बुरे होगे तो आप में और उनमें फर्क ही क्या रह गया, तो उनसे दूर। अरे ऐसे उदास का बैठल है रे, जिंदगी 4 दिन के है, थोड़ा हंसी खुशी से रहो। जिंदगी 4 दिन के है और हम जियो को रिचार्ज 84 दिन वाला करा लिए।
उसको, डरा उसको, सेम बोल, डरा उसको। अगर हमें ढूंढने की कोशिश की या पुलिस को खबर करने की कोशिश की, मेरे कुत्ते के टुकड़े टुकड़े करके तेरी पोती को खिला देंगे। क्या कर रहा है तू, कुत्तों के कोई टुकड़े करता कभी? वो पेंटिंग को देख रहा था, बहुत खूबसूरत है, काफी महंगी होगी ना? मालूम नहीं, मैं तो चोरी करके लाया था। दरवाजा उधर है। एक ग्लास पानी मिलेगा सर? तीन दिन से पानी नहीं आ रहा है, मैं भी कॉफी पी रहा हूँ, वो भी एक ही। हाय हाय उसकी होटो के वो लाली, हाय हाय उसकी होटो के वो लाली, बाद में पता चला बीमल खाती थी साले। मत करो मुझसे इतनी मोहब्बत देव, बहुत तड़पोगे, बेवजह तकलीफ होगी तुम्हें। आखिर ऐसा क्या है मुझ में, क्या है मुझ में? मैंने कल चिकन बनाते समय उस पर हरा धनिया डाला तो तुझे पता है क्या हुआ? क्या हुआ? चिकन कढ़ाई में डांस करने लगा और बोला, अभी आपने देखा ही कहाँ है? मैं देख भी नहीं सकती है, जहाँ शुरू होता वहीं से खत्म हो जाता है। इतना छोटा घर मैंने आज तक नहीं देखा है। जाहिल औरत, ये लिफ्ट है, घर ऊपर है। लिफ्ट? वो क्या होता है?